नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षा के अंदर आज हम प्रश्नावली 1.4 कक्षा सप्तमी विषय गणित है। प्रश्नावली 1.3 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हमारी प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 के अंदर हमारे कुछ प्रश्न हैं, वो है पूर्णांकों के भाग के गुण, यानी भाग से गुणा करना, भाग देना, वो इसके अंदर प्रश्नावली है। तो प्रश्न नंबर एक है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर एक आता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है हमारा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए इसमें मान का पूछा है, तो गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकती है, बाकी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले मान लीजिए मैंने कोई प्रश्न दे दिया कि 3 × (-2), ये प्रश्न है, ये गुणा का प्रश्न है, तो इसके अंदर इनको हल करना है। तो देखो, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6, माइनस और माइनस दोनों आपस में गुणा होकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये तो हमारा गुणा वाला था। अब हमारे देखो भाग है, मान लीजिए कोई प्रश्न दे रखा है कि -(-6) / (-3), यानी संख्या हमारे एक माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, इसका भाग हमें इसके अंदर देना है, यानी 3 का भाग -(-6) के अंदर देना है। तो सबसे पहले 3 का भाग 6 में देते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, भाग दो बार जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है। एक संख्या माइनस में होती है और एक संख्या जब प्लस में होती है तो संख्या माइनस में आंसर है, वो माइनस में ही उत्तर आते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है जिसे -(-10) / (-2), दोनों ही संख्या देखो माइनस की है, मान लीजिए ये -(-10) और ये -(-2), दोनों माइनस की संख्या है, तो माइनस से माइनस आपस में कट जाएगा और 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 × 5 = 10, यानी भाग 5 बार चला जाएगा। तो ये हमारा मान ज्ञात करना था। ये कुछ ऐसे उदाहरण थे। अब मैं प्रश्न नंबर एक के कुछ प्रश्न है वो जैसे हल कराऊँ। जैसे नंबर ए पर दे रखा है कि (-30) / (10), (-30) / (10), यानी 10 का भाग हमें 30 में देना है, तो 10 का भाग हम 30 के अंदर देते हैं, यानी इसको हम -(-30) / (10) भी लिख सकते हैं। -(-30) / (10) लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये संख्या माइनस की है, -(-3) / (1) जब 3 के अंदर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे -(-3). ये हमारा क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारा बी नंबर क्वेश्चन है वो है 50 / (-5). 50 / (-5), यानी इसके अंदर भी संख्या एक प्लस की है और एक है माइनस की है। जब माइनस प्लस की संख्या होती है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। तो देखो इसके अंदर हम भी इनको भी ऐसे लिख सकते हैं 50 / 5। अब इसका इसमें भाग दिया, 5 × 5 = 5 और ये 0 का 0 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 10, लेकिन ये संख्या माइनस की है तो हमारे यहाँ पर भी माइनस से आएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ऐसे ही मान लीजिए कुछ है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए ई जो क्वेश्चन है वो है, ये थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर देखो 13 / (-2) + 1, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी ये कह रहा है कि 13 के अंदर 2 का भाग देना है। ये संख्या -(-2) / (+1), सबसे पहले हम इनको हल करेंगे, माइनस के 2 और प्लस के 1 को हल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 / (-2) / (+1), तो आंसर आएगा हमारे पास -(-1), यानी अब इसका भाग इसके अंदर देना है, -(1) का भाग
इसके अंदर देना है 13 के अंदर, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 भाग माइनस एक, यानी इसका इसमें भाग दिया तो आंसर आई हमारे पास 13, लेकिन ये संख्या एक माइनस की और एक प्लस की, इसका मतलब आंसर है वो किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक था। इसके अंदर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसके अंदर भाग देना और इसके मान ज्ञात करना। प्रश्न तीन मैंने समझाए हैं, इसमें कुछ प्रश्न और भी है, वो आपको फेयर कॉपी में रफ कॉपी में मिलाकर फिर फेयर कॉपी में करने हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न था वो है ए नंबर वाला है, माइनस के 30 भाग कोष्टक माइनस 30 भाग 10, ये पहला प्रश्न था। बी नंबर है वो है 50 भाग माइनस के 5, यानी माइनस के 5 का 50 में भाग देना है, ये बता भी दिया लेकिन फिर भी आपको करना है। अगला प्रश्न है माइनस के 36 कोष्टक भाग कोष्टक माइनस के 9। डी नंबर क्वेश्चन है वो है माइनस के 49 भाग 49, यानी एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। ई नंबर जो क्वेश्चन है वो है 13 भाग कोष्टक माइनस 2 प्लस 1। एफ नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि 0 भाग माइनस के 12, यानी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो वापिस हमें 0 ही प्राप्त होता है। जी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है माइनस के 31 प्लस भाग कोष्टक माइनस 30 कोष्टक प्लस कोष्टक माइनस 1 कोष्टक भाग ही। और एच नंबर जो क्वेश्चन है वो है कोष्टक माइनस 36 कोष्टक भाग 12 भाग 3, ये हमारा एच नंबर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो माइनस के 36 भाग 12 फिर वापस भाग, यानी पहले इसका इसमें भाग दे लेंगे फिर इसका इसमें भाग दे लेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे, यानी 3 का इसमें भाग देंगे या फिर इस कोष्टक को हल करना है तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे फिर यहाँ जो आंसर आएंगे उसके अंदर हम 3 का भाग देंगे। आई नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है कोष्टक माइनस 6 कोष्टक प्लस 5 कोष्टक भाग, फिर कोष्टक दे रखा है कोष्टक माइनस 2 और प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन है यानी माइनस के 6 प्लस 5, यानी पहले इन दोनों को जोड़ना इनको फिर हल करना, यानी पहले इनको हल कर लेना फिर जो यहाँ संख्या आए उसका भाग इसके अंदर है, यहाँ जो संख्या आएगी उसके अंदर भाग देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। कुछ प्रश्न मैंने इसके अंदर बताए थे, कुछ उदाहरण पहले भी बताए। अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे रफ कॉपी में मिलाना, मिलाने के बाद में हमारे फेयर कॉपी में करना। आज का काम हमारा ये प्रश्न एक है, इनको हल करके फेयर कॉपी में काम करना, यही हमारा है। अगले वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। इसके इतनी देर के लिए हमें ये क्वेश्चन मिलाना और मिलाकर फेयर कॉपी में करना, अच्छा करना, सुंदर करना। धन्यवाद।